रिपोर्ट में आपके साथ में मैं हूं नामिका। कोरोना की बात करें तो कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर जो है वो काफी ज्यादा तबाही मचा रही है और इसका दायरा बढ़ने के साथ ही साथ संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 1 लाख के पार हो गया है। सबके बावजूद राज्य के जो रिपोर्टर्स हैं, जो पत्रकार हैं, वो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और मौके पर जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य में पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। हालांकि अभी इस बारे में कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है और ना ही ये बताया गया है कि टीकाकरण के लिए पत्रकारों को अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा या फिर नहीं, या पत्रकारों को टीकाकरण में शामिल होने के लिए क्या करना होगा, इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि पत्रकारों के लिए टीकाकरण की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर रात 8:24 पर, कल रात की बात है, 8:24 पर की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि राज्य में पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के दौर में पत्रकार अपनी भूमिका का बेहतर निर्वहन कर रहे हैं। वे कोरोना संक्रमण के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आपको बता दें कि बिहार के हॉस्पिटल्स में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स की कमी और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच सरकार की चुनौतियां जो है वो भी काफी बढ़ी हुई है। ऐसे में नीतीश सरकार ने सरकारी कामकाज की देखरेख के लिए सभी कैबिनेट मंत्री को नए सिरे से जिला प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 मंत्रियों को जिला प्रभारी बनाया है, मंत्री बनाया है, और इसके साथ ही साथ सभी मंत्रियों को जिला कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष भी बनाया है। तो आपको बता दें तो जिस तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण में आगे हमेशा उनको प्रायोरिटी दी जाती थी, डॉक्टर्स हो गए, जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, अब कहीं ना कहीं रिपोर्टर्स के लिए भी ऐसी बात सामने आई है, लेकिन क्या गाइडलाइंस है, कैसे है, ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है। फिलहाल इसको अब इतना ही, नामिका को दीजिए इजाजत, नमस्कार।